तो पूरा गड्ढा है यहाँ से, ये तो नहीं निकल पाएगा, तो पूरा गड्ढा हो गया, टूटा हुआ है लगता है। तो पानी मुझे लगता है अभी तेज आया हुआ है, गाड़ी बह सकता है इसमें। और ये मिट्टी ना, ये बह के आई है जंगल से, सड़क के ऊपर है ये, यहाँ पे रोड टूटा हुआ नहीं है, रोड नॉर्मल है। अब ये यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत तेज है, मुझे डर लग रहा है कि ये पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे टूटा हुआ भी है रोड शायद आगे। ओ, ये टूटा हुआ है, इधर से कैसे जाएंगे? ओ गॉड, ये पूरा गड्ढा है यहाँ पे। चलो ठीक रहेगा, पहले मैं एक बार नीचे उतर के ट्राई करके आता हूँ, देख करके आता हूँ कैसा है। ये तो पूरा गड्ढा है यहाँ से, आई थिंक ये यहाँ से निकल जाएगा रास्ता। ये तो नहीं निकल पाएगा, तो पूरा गड्ढा हो गया, टूटा हुआ है लगता है। यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, निकल जाएगा। मुझे दिक्कत हो रहा है इसका, ये ऑटो अगर क्रॉस हो गया तो पानी मुझे लगता है अभी तेज आया हुआ है, गाड़ी बह सकता है इसमें। देखिए ऑटो निकलता ही निकलता है, निकल गया ये। चलो भाई, और ऑटो निकल गया। इधर से आ रहा है जंगल से पानी, तेज बहता हुआ जा रहा है, और अगर ये ऑटो निकल गया तो मेरी गाड़ी भी निकल जाएगी। बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको नहीं पता ना किसी नए जगह पे, तो स्मार्ट नहीं बनना चाहिए कि मेरे पास ऊँची गाड़ी है या मेरे पास 4x4 गाड़ी है। कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप उतरो, देखो, पता कर लो। इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो रात में जो मेरी गाड़ी फंस गई थी, वो इसलिए भी फंस गई थी क्योंकि मैं पहले उतर के देख लेता ना। चलो ठीक है, जंगल में नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन बाद में तो उतरे ना हम लोग, क्या करते, फंस गए तो उतरना ही था। तो आप पहले अगर उतर के देख लेते तो मालूम चलता कि गाड़ी कहाँ से काट सकते हैं। मुझे अभी भी दिक्कत ना यहाँ पे आगे पानी क्रॉस करने की नहीं है, पानी देखो अभी बाइक भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये जो गड्ढा है ना यहाँ पे स्पेस कम है। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो लेते हैं प्रभु का नाम, तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। ये वाला तो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस हो गया, लेकिन इसके बाद एक और है जहाँ पे काफ़ी हेवी फ्लो है और पत्थर वत्थर बह के आते हैं। मैंने इनका एक ब्लॉग देखा था, ट्रैवल मास्टर सुनील का, दायरा वतवन के साथ में मिलके उन्होंने बनाया था। रात में वो क्रॉस कर रहे थे, बुलडोज़र बुलाना पड़ गया था, और उसके बाद फिर उन्होंने साफ करवा के फिर उनकी गाड़ी आगे निकली थी। वो वाला का मुझे थोड़ा सा, मुझे भी डर लग रहा है। यहाँ पे मोर दिख रहे हैं कई सारे, मोरनी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ जयपुर में मेरे घर के पीछे ही मोर दिखता रहता है 24/7, मेरे पास मोर का अलार्म कॉल चलता रहता है। ये वाला जो गेट है ना, ये रात में बंद कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर फॉरेस्ट वाले जो हैं वो अलाउ नहीं करते इसके बाद जाना। लास्ट टाइम मैं गया था तो
बोल के फिर एंट्री उंट्री कराई थी, उन्होंने एंट्री की थी, आई कार्ड भी रखे थे, उसके बाद फिर यहाँ से जाना अलाउ किया था आगे। ये यहाँ से प्रॉपर सीताबनी जोन जो है वो शुरू रहा था। भंडार पानी यहाँ से 14 किलोमीटर है। ये सारी लोकेशंस हैं, छोटी छोटी लोकेशंस हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है और इन सब जगह का नाम भी आता है। भंडार पानी में भी कुछ दिनों पहले टाइगर ने अटैक किया था, तो मुझे ये जगह नाम याद है, सुना था मैंने। और ये जिस जंगल में अभी मैं हूँ, ये प्रॉपर अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल घना जंगल, अभी बहुत डेंस हो गया है। गर्मियों में जब मैं आया था अप्रैल के महीने में, उस समय इतना घना तो नहीं था, तो साइड साइड में हिरने चल रही थी, बहुत सारे डियर्स चल रहे थे, तो दिख रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी और लगातार ही दिख रहे थे। हम लोग टाइगर ढूंढने आए थे लेकिन डियर हमारे को भर भर के दिख रहे थे। इस बार अभी ऐसा हो रहा है कि डियर्स भी नहीं दिख रहे हैं, मे बी बिकॉज क्योंकि उनको पानी की जरूरत हो नहीं रही है, तो वो जहाँ पे भी है जैसे उनका काम चल जा रहा है, तो उधर सड़क पे वो आ नहीं रहे, क्योंकि इंसानों को तो सब लोग बॉयकॉट ही करते हैं, सारे जानवर, कोई नहीं चाहता है ज़्यादा इंटरेक्शन करना ह्यूमंस के साथ, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेक्टिव विद ह्यूमंस, नोबडी वॉन्ट ह्यूमंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव, नो एनिमल्स, सोचो कितने बुरे हैं हम। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये ना पानी पूरा बहा है इस रोड से, राइट हैंड साइड में पूरा रेत जैसा हो गया है और ये नॉर्मल फ्लो में बहता है, मतलब इधर से, और मैं कई जगह मैंने देखा कि सड़क भी ना कटा हुआ है, तो अगर बारिश हो रहा हो ना तो ये रास्ता बड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि पूरा राइट हैंड साइड से पूरा ही को पूरा, मतलब जो बाढ़ का पानी जो है वो आके लेफ्ट में आके गिर रहा है। तो जैसे यहाँ मैं सड़क से नीचे उतार लिया, लेकिन थोड़ी देर पहले अभी रिकॉर्ड भी हुआ होगा, वहाँ पे रोड कटा हुआ था, मतलब रोड के नीचे खोखला था, अगर आप गाड़ी वहाँ लेके चले जाओगे तो गाड़ी गिर जाएगी, आप साइड्स में उतारने का जगह नहीं है, लेकिन रोड पे भी नहीं है, रोड पे भी आपको ध्यान से चलना होगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि मानसून बड़ा खूबसूरत होता है जंगल में चलना, जंगली रास्ते में चलना, यहाँ कुछ है कुछ खेल रहा है, जंगल में चलना, जंगली रास्ते में चलना बड़ा ही सुंदर होता है, मन भावन होता है, इतनी सारी हरियाली दिखती है, लेकिन ये साथ साथ ना बड़ा डेंजरस होता है, आपको गाड़ी बड़ा संभाल के चलाना होता है, खुद बहुत संभाल के रहना होता है, कीट पतंगे ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े रेप्टाइल्स सारे इस समय निकल जाते हैं, सांपों का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। तो पानी की अगर आप ऊपर चले गए, जैसे लास्ट के कुछ एपिसोड में आपने देखा होगा कि केकड़े थे, हम लोग वाटरफॉल पे गए थे, तो वाटरफॉल में के आसपास केकड़े बहुत थे वहाँ, तो अब केकड़े ने पकड़ लिया तो वो आपको मुसीबत हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना मानसून में आपको बना रहता है जंगलों में अगर आप घूमते हैं तो, लेकिन खैर प्रॉब्लम्स एक तरफ, आप तो वीडियो एंजॉय कीजिए। ये वाटर फ्लो जो है ना छोटा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे, और ये सब जगह मैंने रात में क्रॉस किया हुआ है पहले, तो मुझे इतना इतना तो मालूम है। अभी रोड के बीच में ना काउ डंग, सॉरी एलिफेंट डंग दिखाया हमें, और ये एलिफेंट डंग का मतलब ये है कि हाथी है यहाँ आसपास, और ये कुछ कुछ टहनियाँ बीच बीच में टूटी हुई है, या तो एलिफेंट ने क्रॉस किया है या एलिफेंट है इधर आसपास, यहाँ एलिफेंट दिखने का एक खतरा हमेशा रहता है। और ये मिट्टी ना ये बहके आई है जंगल से, सड़क के ऊपर है, यहाँ पे रोड टूटा हुआ नहीं है, रोड नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि मिट्टी बहके आ गई है इसलिए यहाँ पे कीचड़ जैसा हो गया है। कुछ बाइकर्स भी खड़े हैं यहाँ पे, आगे पानी तो नहीं है, नहीं नॉर्मल है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। एक बार के लिए मैं भी यहाँ पे गाड़ी रोकूंगा, मैं थोड़ा सा आपको ना 360 डिग्री व्यूज दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो वहाँ पे दूर में बादल देखो कैसे पहाड़ में घूम रहे हैं, यहाँ की गांव की महिलाएं जो है वो घास काट रही हैं, और इस जगह पे यहाँ पे मैंने कम से कम 200-300 हिरनों का झुंड देखा था रात में। अभी तक तो
मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा चलता रहे और होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे।